हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्व योर चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज SEO सीरीज का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने वेबसाइट में मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि आपका वेबसाइट पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाए, पहले से ज्यादा सर्च कंसोल में आए। तो इसको किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन को बनाना है और किस तरह से आपको मेटा टैग को आपको बनाने के बाद आपको कहाँ पे डालना है, मैं आज के इस पूरे वीडियो में यही कवर करने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि मेटा टैग को हम किस तरह से बनाएंगे और उस टैग को हम कहाँ पे डालेंगे। तो फिर चलो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि मेटा टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है और मेटा कीवर्ड्स क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे जो मैंने एक कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलेंगे वेबसाइट टाइटल और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इसको बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। और कीवर्ड कैसे वर्क करता है, जब भी आप कीवर्ड रखेंगे, जो भी कीवर्ड रहेगा आपके वेबसाइट से रिलेटेड ही रखिए तो बेटर रहेगा। जैसे अभी मैंने लिखा हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सॉफ्टवेयर एक ही वर्ड यूज किया है, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी यही सॉफ्टवेयर वर्ड यूज किया है। मतलब इनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही सॉफ्टवेयर वर्ड आ रहा है, मतलब इन्होंने इसको कीवर्ड अज्यूम किया है, ठीक है। अगर और नीचे आएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे हाउ टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाउ कास्ट, यहाँ पे देखेंगे हाउ टू यूज, ये देखिए पूरा का पूरा कीवर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है, हाउ टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली पूरा का पूरा यहाँ पे कीवर्ड उन्होंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, ठीक है। जो वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखा है दोनों कीवर्ड्स का यूज करके रखा है। इसी तरह से आपको भी अपने वेबसाइट में टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ऐसे ही रखना है। और एक चीज बता देता हूँ, जो वेबसाइट की पेज हम बनाते हैं वो पेज के टाइटल डिस्क्रिप्शन वो डिफरेंट थिंग है। जो मैं ये बता रहा हूँ, साइट का टाइटल मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है साइट का, ना कि किसी पेज का, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम पेज पे लेते हैं वही चीज है, एक अलग चीज है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो मैं बता देता हूँ अभी मेटा टैग होता है उसको कैसे जनरेट करेंगे वो देख लेते हैं। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अच्छा सा एक टाइटल सोच लेना है आपके वेबसाइट के लिए, जो भी आपका डोमेन है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपके टाइटल में आपके डोमेन का नाम आता है बहुत ही अच्छा होता है, तो उससे गूगल के सर्च इंजन में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अगर आपसे हो सकता है तो आपका जो टाइटल है उसके अंदर आपका डोमेन का नाम भी डाल दो तो बेटर रहेगा। देखो मैंने ऐसा लिखा है सॉफ्टवेयर होप, ये मेरे वेबसाइट का डोमेन का नाम है, रिव्यू वेबसाइट बेस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये टाइटल हो गया है, ये मेरे वेबसाइट का टाइटल है, ओके, साइट टाइटल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होप हो गया, ये मेरा डोमेन हो गया। सेम उसी तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, वेबसाइट फॉर हाउ टू यूज एनी सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होप इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर रिव्यू, यहाँ पे देखेंगे तो वापस से मैंने डोमेन का नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको भी अपने आपके डोमेन से रिलेटेड टाइटल लिखना है, इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और थर्ड है कीवर्ड, जो कीवर्ड तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखना आपके जो वेबसाइट पे बहुत ज्यादा वर्ड यूज हो रहे हैं वो चीज अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जो आपके वेबसाइट के नीच के हिसाब से हो, उसी तरह से आप यहाँ पे कीवर्ड भी रिसर्च करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे इतने सब पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे यस ही रहने देना है, ये सब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपका लैंग्वेज जो आपके वेबसाइट का है अगर हिंदी में है तो हिंदी करें, यहाँ पे जो भी है लैंग्वेज है उस हिसाब से चेंज करें, अदरवाइज अगर इंग्लिश है तो बेटर है तो इंग्लिश ही रहने दीजिए। और दूसरा, यहाँ पे सर्च इंजन शुड बी रिवाइज एट दिस पेज आफ्टर, कितने देर में होना चाहिए, जैसे कि जो सर्च इंजन है ये ऑटोमेटिकली रिवाइज होना चाहिए, मतलब 10 डे पे रखना है, 5 डे पे रखना है, 20 डे पे रखना है, कितने दिन में आपका जो सर्च इंजन शुड बी रिवाइज करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे 10 डे 20 डे रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे ऑथर जो भी है, ऑथर नाम डालना चाहते हैं तो आप नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ, मैं ही मेरे वेबसाइट का ऑथर हूँ, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली करना है क्या, जनरेट मेटा टैग बोलेंगे। यहाँ पे जनरेट मेटा टैग पे क्लिक करते हैं, आपका मेटा टैग है ना वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट मेटा टैग करेंगे। जैसे जनरेट मेटा टैग करेंगे यहाँ पे आपका मेटा टैग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है, वहां पे चले जाना है अपीयरेंस में, उसके अंदर थीम फाइल एडिटर में जाएंगे। थीम फाइल एडिटर आने के बाद यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे हेडर सेक्शन में, हेडर डॉट पी एच पी में आपके जो भी थीम अप्लाइड है उसी थीम को आपको रखना है। दूसरा फ्रेंड, ये जो कोड जनरेट होगा इसको है ना आप कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए, अगर आपने कभी थीम चेंज किया तो उसमें से ये कोड निकल जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कोड को कहीं पे आप सेव करके रखिए, ताकि जब भी आप थीम चेंज करें तो वापस से उस कोड को पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे हेडर सेक्शन में, हेडर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे चले आना है हेडर, हेडर में यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे। ये देखिए फाइल एडिटर सक्सेसफुली अपडेटेड। गाइस इतना ही करना था, आपका जो मेटा साइट है, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा टाइटल हो गया और मेटा कीवर्ड हो गया, ये तीनों आपके साइट पे अपडेट हो चुका है। अभी क्या होगा, गूगल का रोबोट्स आपके वेबसाइट पे आएंगे, तो स्क्रॉलिंग करने के टाइम पे उनको पता चलेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसका टैग ये है। इससे पहले क्या हो रहा था कि आपने इसको डाला ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ भी जो आपके वेबसाइट के फर्स्ट दो जो हेडर के लाइंस है, हेडर वन, हेडर टू, हेडर थ्री, उसमें से वो उसको पिक किया और उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बना दिया, उसके बाद उसके उसी को उन्होंने टैग ले लिया, उसी को वो कीवर्ड ले लिया, तो ठीक है उन्होंने वैसा कर दिया था। अभी क्या होगा, अभी प्रॉपर होगा, अभी ये जो आपने दिया है गूगल को ये पता चलेगा कि आपका मेटा ए है, आपका डिस्क्रिप्शन ए है और इस आपका जो कीवर्ड्स है ए है, तो ये पूरा अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे वेबसाइट का जो भी कीवर्ड्स है इससे रिलेटेड है, तो उस तरह से आपके वेबसाइट को रैंक करेगा, ठीक है। तो इतना ही करना था गाइस, कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।